युवराज सिंह ने संन्यास को लेकर दिया बड़ा बयान। 23 मार्च से आईपीएल के 12वें सीजन का आगाज हो चुका है। इसी के साथ आईपीएल के जरिए कई खिलाड़ी एक बार फिर चर्चा में आने वाले हैं। एक बार फिर लोगों को चौकों और छक्कों की बरसात की होनी शुरू हो चुकी है। 12वें सीजन के तीसरे मुकाबले में मुंबई की टीम को भले ही पहले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ हार मिली, लेकिन युवराज सिंह ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। युवराज एक छोर पर डटे रहे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। मैच के बाद उन्होंने कहा, जिस तरह से मैं गेंद हिट कर रहा था उससे खुश हूँ। युवराज सिंह ने संन्यास के बारे में भी बड़ा बयान दिया है। युवराज सिंह ने कहा, जब वक्त आएगा तो सबसे पहले संन्यास लूंगा। मैंने सचिन तेंदुलकर से बात की, 38 से 39 की उम्र में वो भी ऐसे ही वक्त से गुजरे थे। उनसे बातें करने से चीजें मेरे लिए काफी आसान हो गई है। युवराज सिंह को इंडियन क्रिकेट लीग में मुंबई की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। खराब फॉर्म से जूझ रहे युवी को दिसंबर में हुई नीलामी में मुंबई ने बेस प्राइस में खरीदा था। पहले ही मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक बनाकर वापसी के संकेत दिए हैं। मैच के बाद युवराज ने कहा, मैंने अपना समय लिया, विकेट गिर रहे थे और मैंने सोचा अगर चांस लिया तो हम मैच के अंत तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने अपना पूरा वक्त लिया। जिस तरह से मैं गेंद को हिट कर रहा था उससे काफी खुश हूँ।